हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ अन अकेडमी ब्रिज। माई सेल्फ आसिफ मुमताज, कैसे हैं आप लोग? आज हमारा 24th है और आज मैंने आपको बोला था कि आज मैं मूल कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ। ये एकदम बेसिक से है, जो 9-10 में है उनके लिए भी है और वहां से फिर मैं पूरा IIT नीट तक एंटर करूंगा। आप लोग एंड तक देखते रहिए, ये थोड़ी बड़ी क्लास होने वाली है आज। बड़ी मतलब लेंथ वाइज थोड़ा लंबी क्लास होगी, ठीक है। कितने लोग प्रेजेंट है, लेट मी चेक वंस। ठीक है, वी आर हेयर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। एक बार मैं देख लूं कितने लोग आप लोग प्रेजेंट है, देन वी कैन गो फर्दर एंड वी कैन डिस्कस। सो लेट मी चेक वंस, आई कैन सी इन माय मोबाइल प्रेजेंट है, देन वी कैन गो। चलो ओके, तो आप लोगों में कितने लोग प्रेजेंट है? इट्स फाइन। सो 4 आर वॉचिंग करंटली। सो मुझे एक बार फिर से बता देने दीजिए, सभी को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं मोल कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मोल कंसेप्ट। लेट मी शेयर वंस, बिकॉज बहुत लोगों को लास्ट टाइम में बताना पड़ता है कि दादा मैं लाइव हूं, लाइव फॉर मोल कंसेप्ट। एक मिनट रुक जाइए, जस्ट गिव मी फ्यू मोमेंट, मैं आप लोगों को सभी को एक बार लिंक शेयर कर दूं। नो इट्स फाइन। सो जस्ट गिव मी वन मोर मिनट। हम लोग आ रहे हैं मोल कंसेप्ट में, बहुत डिटेलिंग में आएंगे। जो लोग लाइव नहीं देख पा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो रिकॉर्डेड देख ले। रिक्वेस्ट इसलिए है कि आपका भविष्य अच्छा हो, आपका मार्क्स अच्छा आए। ठीक है सर जी, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। चलिए, व्हाट इज एक्चुअली मूल कंसेप्ट? मूल कंसेप्ट आने से पहले, अभी और भी बहुत लोग जुड़ रहे हैं साथ में, तो मैं थोड़ा आप लोगों को एक ये बता दूं कि अन अकेडमी की मिशन IIT बैच तो ऑलरेडी 22nd से स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा हमारा फिर से 28 को एक और एग्जाम है, ठीक है, एक और एग्जाम है विच आर गोइंग टू बी हेल्ड ऑन, ठीक है। ये है स्कॉलरशिप टेस्ट, मैं एक बार बता दूं, एक स्कॉलरशिप टेस्ट तो ऑलरेडी हो चुकी है विच वॉज कंडक्टेड ऑन 21st और उससे पहले 14, ठीक है, और अब एक होने वाला है हमारा, दैट विल बी ऑन 28। ये कब होने वाला है? 28 फेब को आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लास 8 से 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए है, काफी प्राइजेस है, ठीक है। JEE नीट फाउंडेशन NTSC स्कॉलरशिप टेस्ट क्यूरेटेड बाई बेस्ट एजुकेटर, नो योर ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, और साथ साथ आपका प्राइजेस भी है काफी, ठीक है। अगर आप इस टेस्ट को देने जा रहे हो तो आपसे एक कोड मांगा जाएगा इस टेस्ट को अनलॉक करने के लिए, सो यू कैन गिव आसिफ मुमताज, ठीक है। जो 9-10 पे है, 8-9-10 में उनसे बोल रहा है, 11-12 के लिए ये टेस्ट नहीं है, ये उस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 8-9-10 में है। इज इट ओके? सो अब मैं क्या स्टार्ट करूं, हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट? हाय देवजीत शाह, हाय उत्कर्ष, सबको लिंक शेयर कीजिए देवजीत, ठीक है उत्कर्ष, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। मोल कंसेप्ट मैं एकदम जीरो से हीरो बनाने आ रहा हूं आज, एकदम बेसिक से टॉप लेवल तक मैं चलूंगा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एंड तक देखिए, जिन लोगों का हो गया है, जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है, उनके लिए इट्स अ वेरी गुड रिविजन। ठीक है, मैं दिख रहा हूं क्लियरली एकदम आप लोगों को? और उत्कर्ष क्या हाल है देवजीत? तो ये हमने देख लिया है कि टेस्ट कैसे देना है। JEE नीट फाउंडेशन NTSC नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है। आपके भी कोई फ्रेंड है आप उनको ही बताइए। मैं मूल कंसेप्ट बस स्टार्ट कर रहा हूँ, जो लोग आए हैं हेलो एक बार कर दीजिए। मैं पहले एक बार आपको ये बता दूं, JEE नीट फाउंडेशन की जो टेस्ट होने वाली है, अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए तो डू कमेंट ऑन द हियर, आई विल हेल्प यू आउट। आपको लिंक जानना है या कुछ भी जानना है, प्लीज आप अनलॉक कोड आसिफ मुमताज यूज कर लीजिएगा। उसके अलावा हमें मालूम है कि हियर वी यूज टू टाइप ऑफ, वेयर इट इज, हियर इट इज, ठीक है। थोड़ा सा दो मिनट दीजिए, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। अनअकैडमी लर्नर ऐप अनअकैडमी.com दो टाइप से यहाँ पर है, एक है प्लस कोर्स, एक है स्पेशल कोर्स जिसे फ्री बोलते हैं। प्लस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा,
ठीक है, जिसके लिए आप मेरा रेफरल कोड आसिफ मुमताज यूज कर सकते हैं, यू विल बेनिफिटेड विद 10% डिस्काउंट। और स्पेशल जो इनकी फ्री क्लासेस होती है जो मैं रेगुलर लेता हूँ, उसमें अगर कोई फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म में एंटर कर रहे हैं तो उनसे एक इनवाइट कोड मांगा जाएगा, दैट विल बी आसिफ मुमताज। ओके सर मैम, क्लियर एकदम? सो लेट्स क्रैक इट विद अन अकेडमी। और आप लोगों को मालूम होगा हमारे महान क्रिकेटर दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम सचिन तेंदुलकर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद अन अकेडमी नाउ। मूल कंसेप्ट, चलो स्टार्ट कर दूं। मूल कंसेप्ट, एवरीवन इज रेडी? ठीक है, देखो मूल कंसेप्ट अच्छी बात है, डेफिनेशन दिया हुआ है मूल का, व्हाट इज मूल, वी ऑल नो व्हाट इज मूल। ठीक है, मगर जिनको नहीं मालूम है, मैं एकदम बेसिक से आ रहा हूँ। देखिए मोल एक यूनिट है, मोल इज अ यूनिट लाइक डजन। हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज वन डजन, मैं पूछता हूँ वन डजन पेन, आप बोलेंगे 12 यूनिट्स ऑफ पेन। या मैं पूछूंगा व्हाट इज वन डजन, आप बोलेंगे सर 12 यूनिट्स, मैं बोलूंगा बिल्कुल सर। मैं आपसे पूछूंगा व्हाट डू यू मीन बाय 2 डजन, आप बोलेंगे सर सो सिंपल 24 यूनिट, एक इतना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो ना। मैं बोलूंगा ओके, आप मुझे हाफ डजन मतलब 0.5 डजन के बारे में बताइए, आप बोलिएगा सर सो सिंपल इट विल बी 6 यूनिट्स। तो इसी तरह मोल भी एक मास रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड, मॉलिक्यूल्स रिलेटेड, एटम रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड, इनथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, जो बहुत लोग चीज का आप लोगों नाम नहीं सुने होंगे जो बेसिक से जो अभी जस्ट 11 का पढ़ाई शुरू किया या 9-10 में है, मगर मैं सभी चीज को रिलेट करूंगा। मैं यहाँ पर पूरा टॉप लेवल आईआईटी नीट तक जाऊंगा। जो बच्चे 9-10 के हैं वो फाउंडेशन को अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, अभी ये चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। जो 11-12 में है वो पूरा टारगेट रखिए। सो ये एक यूनिट की तरह है, 1 डजन क्या है 12 यूनिट, आप बोलिएगा। अगर कोई बोलते नहीं मैं नहीं मानूंगा 1 डजन क्यों 12 यूनिट मानूंगा, उनको बोला जाएगा देखो बच्चों ये एक बनाया गया है आपको यूनिट कन्वर्जन के लिए जो आपको याद रखना होगा। उसी तरह मोल में आपको बेसिक कुछ फंडामेंटल याद रखना होगा, उसके बाद जब आप उसको यूज करोगे तो दैट विल बी नोन एज कंसेप्ट, क्यों मोल बनाया गया। आप बोलेगा अरे सर सिंपल तो मास से काम हो सकता है, मोल क्यों बनाया गया? टू डू द इजियर कैलकुलेशन, टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन फंडामेंटल अकॉर्डिंग टू द वेट मास इलेक्ट्रॉन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फॉर्म। ठीक है, इसी के लिए ये मोल बनाया गया है। अब हम लोग डिटेल में देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मोल। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट मोल कंसेप्ट। जो लोग अभी आए थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया, उससे पहले मैं अन अकेडमी की कुछ एग्जाम्स वगैरह के बारे में बता रहा था, विच इज वेरी हाई। काजल हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक है, और भी अपने फ्रेंड वगैरह को लिंक भेजिए, बोलिए सबको आने के लिए। आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन 1 मिनट। काजल, उत्कर्ष, देवजीत, और थोड़ा सा लाइक करते हुए चलो दोस्तों सेशन को। एकदम बिंदास रहो काजल, अभी मैं घोल के आपको पिलाने जा रहा हूं, ये एकदम बिंदास रहो, नो नीड टू वरी। देखो ना मैं कितने बेसिक से बता रहा हूँ, बस आप यहाँ पर जुड़े रहो। हाय नॉलेज अज्जा, गुड मॉर्निंग। ज्यादा से ज्यादा और भी लोगों को लिंक भेजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव क्लास की बेनिफिट ले पाए। मजा आता है लाइव में कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, मगर जितने ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं ना, एफिशिएंसी, एनर्जी लेवल उतना टॉप में रहता है, उतना हाई में रहता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक है सर मैम, एनी इश्यू? हाय स्नेहा, अरे सभी आ जाए, स्नेहा भी हैं, हर्ष भी आ गए हैं, सुमित कुमार शर्मा, ग्रेट ग्रेट। लिंक शेयर कीजिए, आई एम गोइंग टू स्टार्ट, बस आप लोगों का वेट कर रहा हूं। देखिए मैं अपने मोबाइल में आप लोगों का चैट देख रहा हूं, बिकॉज स्क्रीन मेरी जो शेयर हो रही है वहां पे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हाय अंजनी, हाय भावना, सो लगता है सब आ गए हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए व्हाट इज मोल, मोल के बारे में आपसे बहुत पूछा जाएगा कि मोल क्या है। हम लोग एकदम कंसेप्ट पे आते हैं, जो हमारा काम है। मोल का डेफिनेशन बुक से देख लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में लिख दीजिएगा। हाय बबली, हाय भावना। चलो अब हम लोग आते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि एक यूनिट आपको याद रखना होगा, 1 डजन इज 12 यूनिट्स, 2 डजन इज 24, हम लोग जानते हैं। उसी तरह व्हाट इज मोल, मोल एक रिएक्शन का फंडामेंटल का कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कंसेप्ट बनाया गया है, मगर इस कंसेप्ट को आपको पहले समझना होगा, देन यू कैन डू द एप्लीकेशन। हाई नॉलेज अड्डा, ठीक है, आइए देखते हैं एक एक करके। हो सकता है आपको 10 मिनट तक कुछ नहीं समझ में आए, मगर एकदम आराम से देखते जाइए, मैं पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। आप लोगों को मालूम है कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, एंड तक देखते जाइए, एक क्वेरीज नहीं बचेगा, वर्कशीट भी दूंगा और क्वेश्चन एंड आंसर भी हम लोग करेंगे। व्हाट इज वन मोल, आइए आराम से देखते हैं व्हाट इज वन मोल।
इन टर्म्स ऑफ मास देखते जाते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस, दुनिया में किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास को क्या बोलते हैं? वन मोल। सुनते जाइए बस, वन मोल इज ऑल्सो रिलेटेड विथ वॉल्यूम। देखिए सब वन मोल है, वन मोल इज ऑल्सो इक्वल टू 22.4 लीटर्स। अरे शुएब, एट एसटीपी और एनटीपी, अभी इतना याद रखिए, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, डिटेल में आएंगे। याद रखिए, एक मोल हमेशा क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। मैं इतना बेसिक से आऊंगा कि अभी आपको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास भी बताऊंगा। वन मोल कितना होता है? 22.4 लीटर्स। वन मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? बस पहले ये चीज देखते जाओ ना, मेरे ऊपर बिलीव है ना, बस थोड़ा सा वेट करो, एकदम घोल के पिलाने वाला हूं आप लोगों को। 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6.022 × 10^10। ओह ग्रेट, जस्ट होल्ड ऑन। एन इंटू 6.022 × 10^23 एटम्स। बहुत लोग पूछेंगे ये एन क्या है, मैं सब में आ रहा हूं। और कलर चेंज हो गए, कोई बात नहीं। ई इंटू 6.022 × 10^23 इलेक्ट्रॉन। सब लाइन से आप लोग थोड़ा लिखते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत आसानी होगी मेरे लिए। इज इक्वल टू आई इंटू 6.022 × 10^23 आयंस। बस आपको इतना काम करना है, आईआईटी नीट तक हो जाएगा। एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएगा बताऊंगा व्हाट इज एन, व्हाट इज ई, व्हाट इज आई। राइट नाउ जस्ट कॉपी, ठीक है? इसको कॉपी कर लीजिए। और एक चीज और याद रखिए, ठीक है, ये 6.022 × 10^23 का जो वैल्यू है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। थोड़ा लाइट हो गया ना ये, एवोगैड्रोस नंबर। इट इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रोस कॉन्स्टेंट एंड इट इज डेजिग्नेटेड बाई एन सफिक्स ए, कैपिटल एन स्मॉल ए। तो ये एवोगैड्रो नंबर जो हमारा है 6.022 × 10^23 से एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसे किस तरह लिखते हैं, बहुत से बुक पे देखिएगा, एन ए, ठीक है? ये मैंने आपको बताया है। अब मैं धीरे धीरे करके एक एक फंडामेंटल में आता हूँ। मैं एकदम जीरो से चल रहा हूँ, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूँ। लास्ट क्लास की आपने वीडियो देखी होगी, मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिक मास के बारे में बताया, मगर मैं फिर से एक बार, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या तो, मैं फिर से उनके लिए एक बार प्रेजेंट कर देता हूँ ये मोल कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले। एटमिक मास, देखिए आपके बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो 9 हो 10 हो 11 हो 12, वो आपको एटमिक मास प्लेस कर देंगे। मगर अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, लाइक KVPY, NTSC, NSEJS, नीट, JEE मेन, JEE एडवांस, तो वहां पर आपको एटमिक मासेस नहीं दिया जाएगा। तो वो एटमिक मासेस आपको याद रखिए, कॉपी हो गए सबके, ये आपको कॉपी करना है पहले, ठीक है? वहां पर आपको एटॉमिक मास याद रखना होगा, सभी कंपाउंड के याद नहीं रखना है। जो मैं पॉपुलर आपको कुछ 15 16 एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास बता रहा हूँ, वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि उसी पे मैक्सिमम वर्क होगा। हेलो, इज आई एम ऑडिबल? चलिए, थोड़ा कुछ नेटवर्क इशू हो गया माइनर। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। एटमिक मास हमें किनका किनका याद रखना है, वो चीज को आपको दिमाग में रखना है। एटमिक मास हाइड्रोजन की क्या होती है? वन। ये देखिए, ये एटमिक मास इज अ कंपैरिजन बेस्ड। अगर आप किसी की भी एटमिक मास आपको मालूम है, मान लीजिए आप जानते हैं एटमिक मास 12 है, इसका ये मतलब है कि इट इज 12 टाइम हेवियर देन हाइड्रोजन। बस अभी अपना दिमाग में नहीं रखना है, तो जिसका मैं एटमिक मास लिख रहा हूं उसका आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है? व्हाट इज हैपनिंग, या हेलो, इज आई ऑडिबल? चलिए ठीक है, थोड़ा सा लगता है कुछ इश्यू हुआ था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है? हीलियम एटमिक मास आपके क्या होंगे? हीलियम एटमिक मास 4, ये याद करते चलिए। कार्बन 12, मैं एकदम, मैं ऐसा आ रहा हूं कि आज तक आपने मोल कंसेप्ट कभी देखा ही नहीं, मैं वहां से आ रहा हूं, एकदम जीरो से हम लोग हीरो या हीरोइन बनने की कोशिश में है।
ठीक है, फ्लोरीन 19, ये सब पूरा याद करते हुए चलिए। सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, ठीक है, फास्फोरस 31, सल्फर, मुझे मालूम है मैंने लास्ट क्लास में बताया है, मगर फिर भी आज बहुत लोग नए आए हैं तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट कीजिए उन लोगों की भी जो बता रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। 39 कैल्शियम, 40 और आज एक और एलिमेंट का बताऊंगा, 63.5 कॉपर। बस आप 15 इस एलिमेंट का एटमिक मास याद रखो, ठीक है, क्लियर है आप लोगों का। अरे कैमरामैन इंडिया, हाय रुबान, हाउ आर यू, ये मेरे स्टूडेंट हैं रुबान, है आई थिंक करंटली ही इज इन यूएस, आप कहाँ हैं अभी? इज अ टेक्निकल ऑफिसर इन शिप, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, ये शिप में है। थैंक यू सर आने के लिए रुबान। हाय सुमित कुमार शर्मा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड कर सकते हैं। रोमान इज माय 2009 बैच स्टूडेंट, कैमरा मैन इंडिया जो है, बहुत अच्छा वीडियोस बनाते हैं कैमरा के ऊपर, देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल और मास ऑफ अ कंपाउंड। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए थोड़े से लोगों का जिनका कंसेप्ट बहुत क्लियर है उनको लग रहा होगा सर इतना जीरो से क्यों चल रहे हैं, अभी देखते जाइए, मैं टॉप लेवल में भी आऊंगा, आज बहुत टाइम है, आराम से क्लास एंड तक जब तक कंप्लीट नहीं होगा कंसेप्ट चलता रहेगा, देखते जाओ, मैराथन समझ लो है ये। कार्बन डाइऑक्साइड में मैं क्या लिखूंगा? मॉलिक्यूलर मास अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का चाहिए तो सम ऑफ द एटमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 × दिस इज मल्टीप्लिकेशन साइन, एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द एटमिक मास ऑफ कार्बन 12 एंड व्हाट इज द एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, सो इट बिकम 44। सो दीज आर द फंडामेंटल जो हम लोगों का यहाँ पे काम कर रहा है। इसी तरह किसी भी कंपाउंड के निकालिए ना, बोलते नहीं मुझे H2SO4 जाना, मुझे याद है ये सब 98 है। धीरे धीरे आप भी प्रैक्टिस करोगे आपको भी कंपाउंड के भी मॉलिकुलर मास याद होने चल हो जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। 2 × एटमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 4 × एटमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 4 × एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो गया? 2 × 1 प्लस 32 प्लस 4 × 16, पूरा कर लीजिएगा 98 आएगा। इफ यू एक्सप्रेस इन ग्राम इट विल बी कंसिडर एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एकदम क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ता हूं, अब एक एक करके देखता हूं हमने क्या देखा। व्हाट इज वन मोल मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, लेट्स टेक एज एन एग्जांपल ऑफ, मैं एक एग्जांपल यहां पर लेता हूं, किसके ऊपर करता हूं? अमोनिया के ऊपर। किसके ऊपर करता हूं? अमोनिया के ऊपर। इसका वन मोल का कंसेप्ट फाइंड करता हूं। व्हाट इज वन मोल इन टर्म्स ऑफ मास? अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? अमोनिया का नाइट्रोजन का एटमिक मास 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, आप यहां से निकाल लो क्या आएगा मॉलिक्यूलर मास 17। सो कैन वी एक्सप्रेस इन ग्राम? 17 ग्राम। वन मोल ऑफ अमोनिया ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, वन मोल कंपाउंड तो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर ही रहा है, ठीक है, बस लिख दो एट एनटीपी। कितना मॉलिक्यूल होगा? देखो ये मॉलिक्यूल देखने में NH3 कितना है, एक मॉलिक्यूल है, देखने में कितना है, एक मॉलिक्यूल है, मगर अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि वन मोल में कितना है, वन मोल में कितना है, तो ऑलवेज रिमेंबर इट विल बी 6.022 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स, इट विल बी 6.022 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स। अगर कोई पूछता है कि अमोनिया में कितना मॉलिक्यूल है, बोलो कि सर एक मॉलिक्यूल है, मगर अगर कोई पूछता है कि नहीं वन मोल में कितना है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? वन मोल में आपका 6.022 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स। अगर कोई पूछता है वन मोल में एटम कितना है, आइए अमोनिया में आपको कितने एटम दिख रहे हैं दोस्तों, अमोनिया में आपको कितने एटम दिख रहे हैं, ठीक है, ये अमोनिया है, कितने एटम आपको दिख रहे हैं? 4 एटम्स। कितने एटम्स है इसमें? एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है, 4 एटम है, बिल्कुल सही आप जा रहे हो, अमोनिया में 4 एटम है, मतलब वन मोल में कितने हैं, वन मोल में कितने हैं? 4 × 4 × एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम। अब समझ में आ रहा है वो एन क्या था, समझ में आ रहा है वो एन हमारा क्या था, देखने में 4 एटम, देखने में 4 एटम, मगर वन मोल में क्या होगा?
फोर इंटू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम। आऊंगा उत्कर्ष, बिल्कुल आऊंगा दोस्त। एनटीपी एसटीपी में अभी कोई डिफरेंस इतना नहीं है, बस इसको दिमाग में रखिए धीरे धीरे करके, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कंसेप्ट सीख लिया सर कि इस एन का मतलब क्या होता है। इसका ये मतलब है कि फॉर अमोनिया एन इज इक्वल टू फोर, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एन इज इक्वल टू थ्री, अग्री हो आप लोग। फॉर सल्फ्यूरिक एसिड कैलकुलेट कर लीजिए सर, एन इज इक्वल टू टू एन थ्री सेवन। तो हमें समझ में आ गया ये एन का मतलब क्या है। एन है नंबर ऑफ एटम, मगर अगर वन मोल बोलता है तो क्या होगा, दैट नंबर ऑफ एटम इंटू एवोगैड्रोस नंबर। यस यस स्नेहा, एनटीपी स्टैंड फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनएसटीपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो डिफरेंस पूछ रहे थे इंटरनली, ठीक है। थैंक यू फॉर कमेंटिंग स्नेहा, थैंक यू सो मच। क्लियर है यहां तक सबका? एक बार कमेंट कर दीजिए, अपने क्वेश्चन बचा है तो बोलिए, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे करके हायर ऑर्डर थिंकिंग में चलना शुरू कर रहा हूं। सबका क्लियर है? स्नेहा, देवजीत, उत्कर्ष, रुबान, सुमित, शुएब, बबली, भौना, अंजनी, देवजीत, हर्ष, काजल, सभी का क्लियर है? चलो कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए, अब आप बोलिएगा सर ये तो एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बताइएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? चलो वो भी आपको सीखना है, सिखा देता हूं। आइए अब थोड़ा एटमिक नंबर में आते हैं। एटमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन तो होता ही है, साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, मतलब कोई चार्ज नहीं होना चाहिए उसमें। सब रिप्लाई कर रहे हैं, थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है इस तरह इंटरेक्ट करने में। इफ वन मोल में नंबर ऑफ एटम एवोगैड्रो होगा, देन टू मोल में कर लीजिए यूनिटरी मेथड। काजल, हर्ष, अंजनी, काजल, स्नेहा, बबली, थैंक यू एवरीवन। एटमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। सो आप नाइट्रोजन में एटमिक नंबर क्या है? सेवन है, इसका मतलब इसमें सेवन इलेक्ट्रॉन्स है। और हाइड्रोजन का एटमिक नंबर कितना है? डोंट कंफ्यूज बिटवीन एटमिक नंबर एंड एटमिक मास। एटमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम और एटमिक नंबर इज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ओवर देयर। सो अमोनिया में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नाइट्रोजन का सेवन और हाइड्रोजन का एक इंटू थ्री कितना हो गया, टेन इलेक्ट्रॉन्स। आ रहा समझ में? अमोनिया में टेन इलेक्ट्रॉन्स है, अग्री हो कि नहीं पहले आप ये मुझे बताओ। आप बोलोगे हाँ सर टेन इलेक्ट्रॉन्स है, तो अमोनिया में टेन इलेक्ट्रॉन्स है मगर वन मोल में कितना है, टेन इंटू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एवोगैड्रोस नंबर क्यों यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका हिस्ट्री ज्योग्राफी में चाहूं तो बता सकता हूं, मगर जान के कोई फायदा नहीं है। हम लोग को अपना काम करना है, आईआईटी नीट निकालना है और आगे बढ़ जाना है, रिसर्च में जाके देखेंगे क्या होता है। तो वन मोल क्या है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, दिस एक्सप्लेनिंग द ई पार्ट, सो दिस इज आर ई पार्ट। आ रहा समझ में? ई क्या है, अगर अमोनिया के लिए व्हाट विल बी द ई, टेन। कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लीजिए, मुझे याद है 22, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है तब मैं धीरे धीरे करके हायर ऑर्डर फंडामेंटल में एंटर करने जा रहा हूं। चलिए थैंक यू। सो यहां तक का हमारा काम हो गया। चलो और भी एग्जाम्पल देखते हैं, और भी एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल के भंडार है हमारे पास। पहले एक बार कंसेप्ट तो क्लियर कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर देखते हैं, व्हाट इज वन मोल इन टर्म्स ऑफ मास, निकाल लो मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम्स। वन मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम 22.4 लीटर्स। एट एनटीपी मॉलिक्यूल हमेशा एवोगैड्रोस नंबर होगा, वन मोल में किसी का भी हो। एटम्स कितना एटम है, कार्बन एक है, दो ऑक्सीजन है, तीन है, तो क्या होगा वन मोल में 3 × इलेक्ट्रॉन्स भी जानना है। आइए कितना इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन में हमारा कितना है, एटमिक नंबर कार्बन का 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन का 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, कंबाइन कर लीजिए 8 × 2 16, 8 × 2 16, 16 + 2 = 22, 22 × 6.022
इंटू 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स, अग्री और नॉट? सब अग्री है मेरे साथ? आगे बढ़ो अब। ठीक है, मैं यहां पर एक वर्कशीट लेता हूं जिससे और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लेट मी टेक वन वर्कशीट हियर। दिख रहा है आप लोगों को मोल कंसेप्ट का वर्कशीट? थोड़ा इसे बड़ा कर लूं सर। ये वर्कशीट मैं अनअकैडमी टीम को भी दे दूंगा, वो भी यहाँ पर शेयर कर देंगे नीचे में, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट इसी YouTube चैनल के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं वहां पे भी लिंक दे दूंगा, नॉट ए इश्यू। ठीक है, चलो ये हमारा वर्कशीट है। अगर कोई इसे अच्छे से कर लेंगे, एमसीक्यू मैंने और भी एमसीक्यू के भी है, मगर मैंने पहले सब्जेक्टिव वाइज इसलिए दिया है कि आपसे मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए, ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप लोग ये कंफर्म कीजिए कि ये आपका क्लियर है एकदम, ये फंडामेंटल एकदम क्लियर है, 1 मोल क्या है। आइए एकदम आराम से क्वेश्चन नंबर एक एक करके करते हैं। स्क्रीन सभी का क्लियर है, सभी को दिख रहे हैं अच्छे से, क्वेश्चन आंसर दिख रहे हैं। अगर देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिनके पास अगर कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल है या बिग स्क्रीन अवेलेबल है, टैब वगैरह, तो वो उसमें करें। मोबाइल में बहुत बार आंख खराब होने का डर रहता है, मगर अगर कोई रिसोर्सेज नहीं है और आपके पास बस स्मार्टफोन ही आ गए हैं, बहुत है, तब तो कुछ नहीं किया जा सकता, तब उसी के थ्रू करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1A हो जाएंगे आप लोगों से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ SO2। क्या बोल रहा है फाइंड करने, अच्छे से आइए। पहले मैं इस कंसेप्ट को आपको दिखाता हूं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम, मतलब वॉल्यूम एंड मास के बीच में रिलेशन है। अब वॉल्यूम एंड मास के बीच का रिलेशन जानते हैं, क्या फाइंड करने बोल रहे हैं, वॉल्यूम। ठीक है, क्या फाइंड करने बोल रहे हैं, वॉल्यूम, और मास हमारा क्या दिया है, 8 ग्राम्स। अच्छे से सुन लीजिए, मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ आपको, शॉर्टकट ट्रिक एंड में दिखाऊंगा, मगर उससे ज्यादा टेक्निक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट बहुत बार लोग गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं, उसे याद करना पड़ता है। मैं जिस चीज को बता रहा हूँ वो आपके ब्रेन में जाके सेट हो जाएगा। हाय साक्ष, ठीक है, 8 ग्राम है, तो अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट ये क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर एटमिक मास इज 32 एंड दिस इज 2 × 16, ऐड कर लीजिए 64 आ जाएगा। ये क्या हो गया 64। इसी को अगर मैं लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं सब्जेक्टिव पढ़ रहा हूँ, मैं क्लास 11 का स्टूडेंट हूँ, मैं एग्जाम में लिखना चाहता हूँ, तो हाउ वी कैन राइट ओवर हेयर। ठीक है, मैं इस सेम क्वेश्चन को आपको दिखा दूँ कैसे लिखना है एग्जाम में भी। ठीक है, अब देखते जाइए, मैं अभी आप लोग का कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि अब मैं थोड़ा मोबाइल में वर्कशीट देख रहा हूं। क्या क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट NTP। अच्छे से देख लो, एक बार एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, उसके बाद तो सब एकदम धमाका होने वाला है। ठीक है, अच्छे से देखो इसको, तो यहां पर हमारा क्या है, रफ में हमने क्या देखा, रिलेशन क्या है, वॉल्यूम एंड मास का, किसका रिलेशन है, वॉल्यूम एंड मास का। तो वॉल्यूम में क्या है, फाइंड करना है, मास आपका कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम्स। हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट दिस इज 64 ग्राम है और ये 22.4 लीटर है। ये सबको समझ में आ रहा है, पहले ये बताइए, इज दिस इज क्लियर टू एवरीवन? सॉरी, आज घर से आज भी क्लास ले रहा हूं, तो हो सकता है कि थोड़ा ये क्लियर है एकदम सबका, पहले देख लो, मेरे इससे छिप गया था इसलिए मैं थोड़ा नीचे लेके आया हूं। अब एग्जाम में मैं कैसे लिखूंगा, एग्जाम में लिखूंगा, एक बार मैं सब्जेक्टिव दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं सिर्फ एमसीक्यू का फंडामेंटल शो करूंगा। अकॉर्डिंग टू
जिनको नहीं समझ में आ रहा है फील फ्री टू कमेंट इन द सेक्शन। मैं लाइव चैट अब देखना शुरू कर दिया हूं। अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट वी नो क्या फाइंड करना है वॉल्यूम, तो जो फाइंड करना है वो हम लोग यूनिटरी मेथड से क्या जानते हैं, राइट हैंड साइड में होगा, तो पहले क्या लिखेंगे 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स 22.4 लीटर एट एनटीपी। तो 8 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन 8 × 22.4/64, ये 8 से कितना गया 8, आप इससे कैंसिल कर लीजिए, ठीक है, हाफ कीजिएगा क्या होगा 11.2, 5.6 है, 2.28 लीटर होना चाहिए, कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है, क्लियर है ये सब, पहले बता दीजिए तब मैं आगे बढ़ूंगा। और उसके अलावा आप देख सकते हैं मैंने आंसर भी यहां पर प्रोवाइड किया है, देखिए हाँ 2.8 लीटर्स, ठीक है, ये आंसर भी आपको यहां पर मिल जाएंगे, देख लीजिए सबका क्लियर है, क्योंकि अब बेस बनना शुरू हो रहा है, ठीक है। किसने उस टाइम बोला था कि ये चैप्टर मेरे को कभी भी समझ में नहीं आया है, आई थिंक सो काजल जी ने बोला था, काजल ये चैप्टर बहुत, काजल कुछ समझ में आ रहा है आपको? काजल लगता है चले गए, नहीं है उन्हें, है काजल, है काजल समझ में आ रहा है, एक बार फिर से रिप्लाई कर दीजिए दोस्त। हेलो, चलिए सॉरी कुकर की आवाज थी इसीलिए, हैं जी सर, ओके काजल जी, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए धीरे धीरे करके हम लोग फंडामेंटल, ये क्या है फाइंड द वेट ऑफ 2.8, देखिए ये क्या बोल रहा है फाइंड द वेट ऑफ 2.8, आप बोलिएगा सर मुझे कैसे मालूम 2.8 लीटर का क्या है, अरे बैकग्राउंड क्या है, अगर इसी तरह आपको बोलता फाइंड द 3 डजन ऑफ पेन, आप क्या बोलते हैं अरे यार बैकग्राउंड तो मालूम है 1 डजन 12 यूनिट है, तो 3 डजन क्या होगा 12 × 3 = 36, जस्ट लाइक दैट इफ समवन इज आस्किंग अबाउट द वॉल्यूम मास मॉलिक्यूल्स एटम द फर्स्ट कांसेप्ट कम टू इन आवर माइंड इज मोल कांसेप्ट, ठीक है, सबसे पहले मुझे वो मोल कांसेप्ट का फंडामेंटल समझ में आना चाहिए। चलिए एक दो क्वेश्चन यहां से करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखिए फाइंड द वेट ऑफ 2.8 लीटर एट एसटीपी, बनाते हैं सर क्या है ये, क्या दिया है वेट मतलब मास और इस तरफ क्या है वॉल्यूम, अब देखो कितना सिंपल वे में बनेगा, मास फाइंड करना है वॉल्यूम कितना है 2.8 लीटर, तो 22.4 लीटर में कितना होगा H2S है 32 + 2 34 ग्राम होगा, समझ में आ रहा है मॉलिक्यूलर मास, बाकी निकाल लो ये क्वेश्चन मार्क आपका क्या होगा, क्या होगा, चलो इसको नॉर्मल वे में लिख लूं, चलो लिख लेता हूं 22.4 लीटर में कितना है 34 ग्राम्स, तो 2.8 लीटर्स में कितना होगा 2.8 × 34/22.4 लीटर्स, क्लियर है कि आगे बढ़ाऊं, फिर से बताऊं, ठीक इसका आंसर बताइएगा 1D, क्लियर है साक्ष, साक्ष मल्होत्रा, देखिए सिंपल 2 मोल ऑफ H2SO4, अरे यार 1 मोल 98 ग्राम है सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिकुलर मास के थ्रू, तो 2 मोल्स क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 × 96, आंसर इज 190, 2 × 98 196 ग्राम्स। अभी मैं बहुत से क्वेश्चन में आऊंगा, धीरे धीरे बहुत से क्वेश्चन में आऊंगा, ठीक है, देखिए डायरेक्ट एकदम बहुत टफ क्वेश्चन में आते हैं नंबर 14, देखिए तो नंबर 14 कर पाएंगे आप लोग, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है चलिए नंबर 14 मैं कर रहा हूं, ये वर्कशीट मैं दे दूंगा आप लोगों को, क्या है नंबर 14 का क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ, सॉरी फॉर द कुकर्स थिंग, घर में हूं इसी के लिए मैं, ऑफिस से लेता हूं तो आवाज नहीं आती है, बहुत बिजी हूं इसीलिए घर से ही अभी ले रहा हूं,
इवनिंग की क्लासेस ऑफिस से ले रहा हूं। क्या होगा ये हमारा फंडामेंटल? कैलकुलेटर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या हमने सीखा है, क्या हमने सीखा था, एक मोल में मास है ना, मास में क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, जिससे रिलेशन चाहिए वो, और ये क्या होगा, e into 6.022 into 10 to power 23 electrons। आपको e find करना होगा सर। What is e? The electrons in oxygen gas। Oxygen क्या होगा? O2। कितने electrons होते हैं O2 में आपके? 8 atomic number है और दो यहाँ पे present है, तो कितना electron हो गए? 16 electrons। तो क्या होगा, ये लिख लेते हैं total number of electron in, तो क्या लिखेंगे, 32 grams of। किसी को भी किसी मोमेंट में समझ में नहीं आएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन्स कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 8 into 2 16 into 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3.2 ग्राम्स में कितना होगा, 3.2 इंटू 16 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 बाय 32 बाय 32। आइए देखते हैं क्या है, इसे कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट यहां से हटाऊंगा तो यहाँ क्या आएगा, 10 आएगा, ये 32 कैंसिल, ये 10 ऊपर क्या गया, 16 इंटू 6.022 ये 10 to the power 22, कैलकुलेट कर लीजिएगा, दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एकदम क्लियर है कि फिर से बताओ, ठीक है। अब मैं एटम्स के बारे में आ रहा हूं, जो ज्यादातर क्वेश्चन आपको क्लास 11 एंड कॉम्पिटेटिव में मिलेगा। इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया, देखिए ना कितना टफ लगता था। देखिए, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। रिलेशन क्या है, मास एंड इलेक्ट्रॉन्स का है। अगर मास एंड इलेक्ट्रॉन्स का है तो मुझे ये चीज दिमाग में रखना है ना, ये देखिए ना, ये सभी इक्वल है, मास वॉल्यूम, मास मॉलिक्यूल, मास एटम, मास इलेक्ट्रॉन, आयन, सभी रुक जाइए, तो हर एक दूसरे से रिलेटेड है, ऑल आर इक्वल। ये तो वही कर रहा हूं ना, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू ई, दैट मीन डी इक्वल टू ई सी इक्वल टू ई, यही कंसेप्ट हमारा है ना सर एंड मैम। ठीक है, सेशन लाइक हुआ, देखो थोड़ा कितने लोगों ने, थैंक यू सो मच, थोड़ा कमेंट वमेंट भी कर दिया करो क्लास ओवर होने के बाद। और हो सकता है आज मैं अनअकैडमी में लर्नर ऐप अनअकैडमी में स्पेशल क्लासेस लूं किसी एक सेक्शन को पढ़ाने के लिए, मैं आपको बता दूंगा वो, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, धीरे जैसे जैसे मैं क्वेश्चन, आप ये मत देखिए कि 1 के बाद 22 में आ रहा है 12, ये सब कंसेप्ट एक बार मैं क्लियर कर दूंगा ना, उसके बाद पूरे वर्कशीट बन जाएंगे। नंबर 22 देखिए तो एक बार क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आप लोगों को, नंबर 22 चलो मैं सॉल्व करूं नंबर 22, इसे मैं थोड़ा एलोबरेट करके दे रहा हूं ये क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम योर वर्कशीट। ये वर्कशीट का क्वेश्चन 22, आइए क्या क्वेश्चन है एक बार देख लूं। अ ग्लास ऑफ जूस कंटेन्स 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। C6
S12O6। हाउ मैनी, आइए इसको और ब्रेक कर देते हैं। ठहर जाइए, कैलकुलेट। नंबर ए टोटल एटम्स, नंबर बी कार्बन एटम्स, नंबर सी ट्राई करोगे एक बार हाइड्रोजन एटम्स, नंबर डी ऑक्सीजन एटम्स। एक बार ट्राई करो इसे, मैं वेट कर रहा हूं, एक बार ट्राई करो ना सभी। मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगा, आई एम गिविंग यू 1 मोर मिनट। ठीक है, ट्राई कीजिए, मैं जस्ट थोड़ा सा पानी लेके आ रहा हूं, तो थोड़ा सा इसे स्टॉप भी करूंगा 1-2 मिनट के लिए। चलिए, कोई जाइएगा नहीं, करते जाइए एकदम इसे फास्ट। स्नेहा, काजल और कौन है, डायमेंशन, भावना, आप लोग बेबी बबली, थोड़ा सा आपको शेयर कीजिए। हर्ष और भी स्टूडेंट लोग जो है उनको बुलाइए, अपने फ्रेंड को भी आप भेज सकते हैं, अपने बैचमेट को भी भेज सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि स्टार्टिंग से कितना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो सेंड देम ऑल। भेजिए भेजिए और लोगों को, लाइव बुलाइए। चलिए मैं कर दूं ये। कैसा राइटिंग वगैरह मेरी समझ में आ रही है ना आप लोगों को? चलो, एटमिक मास याद रखिएगा इस जगह का, ठीक है? एटमिक मास हमारा कार्बन का क्या है, 12, हाइड्रोजन का क्या है 1, एंड ऑक्सीजन का क्या है। चलिए, थैंक यू काजल, आपने लास्ट क्लास नहीं किया था ना उस दिन फिजिकल क्लासेस। ठीक है, ये सब मुझे करना होगा क्या कि आप लोग ट्राई कर रहे हो? जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, ये सम्स कर रहे हैं अभी आप? ओके 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 काजल, चलिए ये सम्स मैं सॉल्व कर दूं कि आपसे हो जाएगा? मैंने इतना आप लोगों को अभी पढ़ाया है, देखिए कितनी चीज, जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं जस्ट थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, थोड़ा बैकवर्ड मूव कर लीजिए। देखिए बहुत कुछ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, एकदम मूल कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर, एनी लेवल एनी लेवल। ओके चलो, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इसे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन रिलेशन है मास मास एंड एटम्स के बीच में, क्या है मास एंड, वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कीजिए कीजिए कीजिए, आई एम वेटिंग आई एम वेटिंग। थोड़ा मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। ठीक है काजल, बाकी लोग, अंजनी है, हर्ष, सतीश, सब कहाँ हैं, सुमित, जस्ट मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, डोंट गो एनीवेयर, मैं थोड़ा सा स्टॉप करके आ रहा हूं जस्ट। ठीक है, सॉल्व हो गया है? चलो अब मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो क्या दिया है, 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इसका आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लीजिए। जस्ट गिव मी 1 मोर मिनट, कुकर आ गए। चलो इसे सॉल्व कर देता हूं। देखो मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का क्या है, इस तरह लिख सकता हूं, 180 ग्राम्स ऑफ
ग्लूकोज मतलब C6 H12 O6 कंटेन्स कितना एटम है यहां पर? 12 6 6 6 12 6 कितना हो जाएगा एटम? 12 6 6 12 24 24 इनटू 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 एटम्स लिख सकता हूं? बोलिए, लिख सकता हूं। तो मुझे क्या चाहिए? टोटल एटम चाहिए 9 ग्राम्स में कितना है? यही तो मेरा रिलेशन है, बस 9 × 24 × 6.022 × 10 to the power 23 by 180। कैलकुलेट कर लीजिए सर, 9 से ये गया, कितना आया? 20, ये एक जीरो इससे कैंसिल कर दो, 22 आ गया, ये 2 इससे गया, 12 आ गया। 12 × 6 कितना होता है? 72। मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कर लीजिए कैलकुलेशन, ठीक है, 4 4 0 12 ऊपर 1 4 6 2 7.2 664। ये कैलकुलेट कीजिए, मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं बस उठ के गया था देखने के लिए क्या हुआ है। ठीक है, 10 to the power 22 एटम्स, 10 to the power 22 एटम्स। अजो ठीक है, अब आइए, अब मैं कार्बन एटम चेक कर लेता हूं। ये हमारा क्या था? टोटल एटम। मैंने टोटल एटम कंप्लीट कर लिया है, अब मैं आता हूं कार्बन एटम्स के पास। कार्बन एटम्स हमारा क्या है? अब हमें सिर्फ ग्लूकोज से कार्बन एटम के बारे में लिखना है, तो क्या लिखेंगे? 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मूला भी लिख दूं, चलो लिख देता हूं, C6H12O6 कंटेन्स कितना कार्बन है? अच्छे से देखो कितना कार्बन है, 6 कार्बन एटम है, तो जिसके बारे में बात हो रहा है वही लिखेंगे, 6 × एवोगाड्रोस नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, 6 × दिस मच, ठीक है, तो हमें कितने में चाहिए? हमें कितने में चाहिए? 9 ग्राम में चाहिए। हमें कितने में चाहिए? 9 ग्राम में चाहिए। तो 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेंट, मैं कलर इसलिए चेंज करके लिख रहा हूं कि आपको और बेटर वे में, आप एक ही पेन यूज कीजिएगा जो सब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं, और एमसीक्यू के लिए तो कोई मैटर ही नहीं है। नाउ डू द कैलकुलेशन पार्ट, यू नो हाउ टू डू द कैलकुलेशन। अब नंबर सी में आ रहा हूं। नंबर सी हमारा क्या क्वेश्चन था? कार्बन हो गए, अब हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए कह रहा सबका। अभी आइए ना, अभी बहुत क्वेश्चन देखूंगा। हाइड्रोजन एटम्स जिनको नहीं समझ में आ रहा बताते जाइएगा। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 कंटेन्स कितना हाइड्रोजन है? 12 है, 12 × एवोगाड्रोस नंबर। क्यों? क्योंकि 180 ग्राम क्या है? 1 मोल है, मॉलिक्यूलर मास है। तो आपके फ्रेंड ने अभी नहीं देखा उनको जरूर से रिकॉर्डिंग देखने के लिए बोल दीजिएगा, मगर जो लाइफ में मजा है वो रिकॉर्डिंग में, चलिए अच्छी बात है, मगर लाइफ में आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो 8 to 9 सेकेंड लैग करता है यूट्यूब के, वजह से 8 से 9 सेकेंड आगे पीछे रहता है, मतलब मैं आगे रहता हूँ, आप 8 9 सेकंड पीछे रहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? हाइड्रोजन एटम्स। तो 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितना होगा?
कार्बन का। एक बार अभी कैलकुलेट कर लेता हूं, काजल आपने कितना निकाला है कार्बन का बोल रहे हैं ना, चेक कर लेते हैं ये कितना आ गया। 2 0, ये कितना हो गया 22, और ये कितना हो गया 3 yr 3 into। वेरी गुड काजल, बहुत अच्छा काजल, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है आपके 18.0066 होगा ना, 6066 कैसे होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है अब, डर खत्म हो रही है आपकी। आइए, हाइड्रोजन एटम 180 ग्राम में इतना है, तो 9 ग्राम में कितना होगा कैलकुलेट कर लीजिएगा मैम आंसर। अब नंबर डी में आता हूं, नंबर डी हमारा क्या है, ऑक्सीजन। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, मगर फिर भी कर देता हूं। वेलकम काजल, ऑलवेज वेलकम। कल फिर मैं 11:30 में आऊंगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को लेके आइए, दीज आर द फ्री क्लासेस। ठीक है, आप लोगों के लिए बस एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है, क्योंकि आपको पहले से मालूम है क्या है, मैं लिंक आप लोगों को हमेशा भेज दिया करता हूँ, तो आप लोग प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को बुलाइए। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो स्किल है कि मैं आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ऑक्सीजन एटम्स जी काजल, बिल्कुल 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, हाय शिवा हाउ आर यू। देखिए, एजुकेटर मतलब ही हेल्पफुल होता है, अगर वो हेल्पफुल नहीं है तो एजुकेटर नहीं बन सकते हैं, सो वी ऑल एजुकेटर आर वेरी हेल्पफुल। ऑक्सीजन में कितना है, 6 है, 6 into। ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशन में भी आप वीडियोस देख सकते हैं, काफी वीडियोस है वहां पे, अन अकेडमी ब्रिज में मैंने काफी वीडियोस बनाया है। कंटेंस ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन, 9 into 6 into 6.022 into 10 to the power 23 by 180 कैलकुलेट कर लेना। देखोगे इसका कैलकुलेशन, देखोगे वही कैलकुलेशन होगा ऑक्सीजन का जो कार्बन का होगा, क्योंकि इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, सारा समझ में। तो काजल ने हमें अभी कैलकुलेट करके दिया, मैं वही लिख लेता हूँ, वही हो गई 10 to the power 22 ऑक्सीजन एटम्स। आपको कौन सा चैप्टर का लेक्चर चाहिए शिवम, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, मैं आपको पूरा गाइड कर देता हूँ, डोंट नो नीड टू वरी। एक चैप्टर का मैं बता दूंगा इसी तरह कहाँ मिलेगी। कैसा लग रहा है आपको ये पेंटैप से लिखा हुआ पूरा चीज, पूरा क्लियरली आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। बहुत जल्दी डिजिटल स्क्रीन भी स्टार्ट करूंगा, वहां पे भी क्लासेस लेना शुरू करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो हमने 22 कर लिया है, ठीक है, देखो कितने लोग 23 कर पाते हैं। नो, नंबर 23, दिस हैज बीन डन, नाउ वी आर कमिंग फॉर 23। चलो 23 का आंसर बताओ मुझे। आप चैप्टर के नाम लिखिए केमिस्ट्री का, उसके बगल में मेरा नाम आसिफ मुमताज लिखिए, आपको वो अगर लेक्चर अवेलेबल होंगे आपको मिल जाएंगे। माय नेम इज आसिफ मुमताज, टीचिंग फ्रॉम 19+ ईयर्स, जब मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था तब से पढ़ा रहा हूं। चलिए नंबर 23, आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन। नंबर 23, कल भी 11:30 बजे बाकी का सम्स करूंगा, अभी जो इतने सम्स हो रहे हो उतने करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। नंबर 23, नंबर 23, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, नंबर 23 के लिए। बोलिए नहीं होगा तो मैं बता देता हूं। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड 100। और
यू कैन एक्सप्रेस इन ग्राम, बिकॉज यहाँ पर ग्राम में दिया है हर्ष, तो हम लोग 100 ग्राम लिखेंगे। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड हर्ष, और शिवा, चलिए बहुत अच्छा। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, बी कूल, बस वहां पर लिखना है कि सर नहीं समझ में आ रहा है। देखिए अभी बेस बन रहा है, एक बार बेस मजबूत हो जाएगा ना तो फिर बनाइए ना, कितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है, बुर्ज खलीफा बनानी है, उससे भी ज्यादा नॉलेज की बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी। बस बेस आपके स्ट्रांग होनी चाहिए। सो ऑलवेज रिमेम्बर, इफ योर बेस इज अल्ट्रा स्ट्रांग तो कोई इश्यू नहीं होगी। नहीं हो रहा है सर, कोई बात नहीं काजल, थोड़ा सा ब्रेन लगाइए। देखिए 0.001 में 1 ग्राम है, तो अगर मैं 1 मोल में निकालूंगा तो वो जो भी ग्राम आएगा वो उसका मॉलिकुलर मास होगा काजल। इतना मोल में इतना ग्राम है, तो मुझे मालूम है कि 1 मोल में मैं अगर किसी का मास निकालता हूँ, 1 मोल में अगर मैं किसी का मास फाइंड करता हूँ तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल में किसी का वॉल्यूम फाइंड करता हूँ तो 22.4 लीटर होगा। वेरी गुड भावना काजल, समझ में आया कि बना दू। चलिए काजल कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23 में .01 मोल ऑफ अ कंपाउंड वन ग्राम कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इसे क्या कर सकता हूं, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, 0.01 मोल ऑफ अ कंपाउंड वेज 1 ग्राम। ठीक है, तो इतना मोल में 1 ग्राम है, तो अगर आप 1 मोल में फाइंड करते हो तो 1 मोल में जो किसी का भी मास होता है मैम एंड सर, वो क्या होता है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसे आप सॉल्व करो क्या आएगा, ये ऊपर 0, ये क्या आएगा 100 ग्राम्स, तो दैट मीन 1 मोल हैज 100 ग्राम ऑफ मास, सो दिस विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड। एज वी नो 1 मोल ऑलवेज कंटेन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एज वी नो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस वेज इट्स मॉलिक्यूलर मास, सो 100 ग्राम्स इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। क्लियर है कि फिर से बताओ कैसा लग रहा है कंसेप्ट, ये बताइए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होता हुआ आगे बढ़ रहा है। क्लास कंटिन्यू रखूं, ऑफ कर दूं, बाकी का कल करूंगा, मेरे पास, मैं फ्री हूं अभी, आप जैसा बोलोगे मैं उसी तरह करूंगा। आप बोलोगे कंटिन्यू करने, आपके आपको अभी भी आप ब्रेन में ले पा रहे हैं, सैचुरेट नहीं है, देन वी कैन कैरी ऑन। हाँ वेलकम वेलकम। शिवा आपने मेरे क्या क्या लेक्चर देखे हैं थोड़ा वो बताइए, उसके बाद मैं आपको गाइड करता हूँ। चलो 23 23 हो गया, क्लियर है। एक और क्वेश्चन, नंबर 7, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है। नंबर 7, नो ट्राई नंबर 7, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड एक्स। चलो मैं ये लिख देता हूं वहां पे नंबर 7, ये और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, उसके अलावा वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाओ, ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशन में, वहां पर आपको प्लेलिस्ट में हाइड्रोकार्बन मिलेंगे, क्लास 12 के पूरे चैप्टर मिलेंगे, 11 के फिजिकल
सभी मिलेंगे, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखो ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशन के अंडर में। चलो अब नंबर 7 आप ट्राई करो, ठीक है? आई एम गोइंग टू नंबर 7। नीचे लिख देता हूं आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड एक्स इफ इट्स 3.0115, ये है ना, इंटू 10 टू द पावर 9 मॉलिक्यूल्स वे 1.0, मतलब 1 है सर, जैसा क्वेश्चन में लिखा है वो मैंने लिख दिया 10 टू द पावर -12। आज तो मेरे एक आर्टिकल भी पेपर में छपा है, बंगाली न्यूज़पेपर में, ठीक है, नीट के ऊपर। चलिए लग जाइए काम में, कोई बात नहीं, पाताल है यहाँ पे, आकाश नहीं तो पाताल है ना, आसिफ मुमताज अनअकैडमी, आइए। पाताल होना बहुत जरूरी है, तभी तो आकाश बन पाएगा। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा, सिर्फ आकाश में चले जाने से क्या होगा, जमीन में गिर जाइएगा। हर्ष एकदम टॉप लेवल में जा रहे हो, गुड गुड हर्ष, गुड, आ रहा हूं बता रहा हूं। शिवा आप किस सिटी और किस क्लास से हैं, थोड़ा मुझे बता सकते हैं? शिवा आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए तो अच्छा रहेगा, और बेटर वे में आपको गाइड कर पाऊंगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए ना, मैं कल भी 11:30 में लाइव आऊंगा, एकदम जितने लोग हैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाइए, तभी तो मजा आएगा। नैनीताल से हैं, ओके, तो आपके फ्रेंड वगैरह भी होंगे ना, उनको भी बताइए। मैं आज का जो लेक्चर मैंने आपको बताया है वो उनको रिकॉर्डेड भेजिए, मेरी और भी काफी सारी वीडियोस है वो भी उनको शेयर कीजिए। देखिए जितना ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे ना उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आज देखिए आज स्टूडेंट्स हैं, आई एम हाईली मोटिवेटेड, हम लोग एक इंटरेक्ट करते हुए कर रहे हैं। इसी तरह मैं अनअकैडमी के लर्नर ऐप में भी आऊंगा, unacademy.com में भी आऊंगा, ठीक है? जब तक आप ये सम्स कीजिए मैं आप लोगों को कुछ दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले unacademy.com, अगर आप मोबाइल में हैं तो आप अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में हैं तो अनअकैडमी.com में जाइए, इस जगह पे सर्च कीजिए आसिफ मुमताज और मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरी रेगुलर यहाँ पर फ्री क्लासेस भी आती है जिसे हम लोग स्पेशल क्लास बोलते हैं, देखिए बस फॉलो कर लीजिए, ठीक है? इसे फॉलो करने के बाद आप यहाँ पर मेरी पूरी फंडामेंटल दी हुई है, फॉलो करने के बाद एकदम नीचे आइए, देखिए यहाँ पर स्पेशल क्लास लिखी है, ये स्पेशल क्लास फ्री क्लास है। अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं तो वो आपसे इनवाइट कोड मांगेंगे, क्या मांगेंगे आपसे, इनवाइट कोड। आप इनवाइट कोड में ये पूरा मेरा नाम लिख दीजिएगा, ASIF विदाउट एनी स्पेस, ये हमारी इनवाइट कोड हो जाएगी, यही हमारी सब्सक्रिप्शन कोड भी है, ठीक है? अगर आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप ये यूज कर सकते हो, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर आप अगर फ्री क्लासेस में भी पहली बार एंटर कर रहे हैं, देखो कितनी फ्री क्लासेस है, नीट जेई पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 15, स्ट्रक्चर ऑफ एटम लाइव टेस्ट विद डॉट्स क्लियरिंग, नीट फाउंडेशन पी ब्लॉक, नीट फाउंडेशन एस ब्लॉक एलिमेंट, पूरा एटम मॉलिक्यूल लाइव टेस्ट, इंडक्टिव फैक्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये तो स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा फंडामेंटल कंप्लीट किया, ये 9 वाले लोग के लिए है, ठीक है? ये जेई नीट बुक क्या रेफर करना है, क्विज ऑन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईसीएसई सीबीएसई लाइव टेस्ट, फाउंडेशन थर्मोडायनेमिक, मतलब पूरा थर्मोडायनेमिक मैंने ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशन में नहीं किया है, मगर अनअकैडमी के .com में मैंने पूरा बताया थर्मोडायनेमिक। देखो पार्ट 5 है, पार्ट 4 है, पार्ट 3, पार्ट 2, ये पूरा यहाँ पे है।
इसका लिंक मैंने ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशन के चैनल पे भी दिया है, तो आप देख सकते हैं, दीज आर ऑल फ्री, आप आराम से इसे देख सकते हैं। यहाँ पर लाइव टेस्ट भी होता है। बिल्कुल काजल, आप बिल्कुल करेक्ट है, आंसर 200 है। तो प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिए आसिफ मुमताज सर्च करके, और स्पेशल क्लासेस जो होती है वो फ्री क्लासेस है। इसके अलावा जो क्लासेस है वो आपके लिए पेड क्लासेस है। दिस इज द बैच क्लास, ठीक है, ये पेड क्लासेस है आप लोगों के लिए। तो आपको पेड अगर लेनी होगी कभी भी किसी भी कैटेगरी में, आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज आसिफ मुमताज, एंड यू विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड विद 10% डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइडेड इन अन अकेडमी। ओके शिवा, थैंक यू, जरूर होगा, कोशिश कीजिए। शिवा ने भी आंसर बताया। काजल, अब तो सब एक्सपर्ट हो गया, मेरी जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए फिर भी मैं एक बार इसे सॉल्व कर देता हूँ। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स, इज दिस मच मॉलिक्यूल हैज दिस मच ग्राम, क्या बोल रहा है, 3.0115 into 10 to the power 9 molecules, आपका आंसर करेक्ट है, मगर फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। मॉलिक्यूल्स वे 1 into 10 to the power minus 12 ग्राम, तो 6.022 into 10 to the power 23 molecules में जो भी मास निकालोगे दोस्त, वो आपका क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा 6.022 into 10 to the power 23 into 1 into 10 to the power minus 12 by 3.0115 into 10 to the power 9, ये यहां से गया, ये 2 हो गया, ये 12 यहां से जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 11, ये यहां से 2 बचेगा, 200 आएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। और क्वेश्चन करा था, चलो या कल कैरी करूंगा, जैसा बोलिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम फ्री हूं। आप लोग अगर एक्टिव है पढ़ने के लिए, रेडी हैं, तो आई कैन गो फर्दर ऑल्सो। ठीक है, अब नंबर एफ, अब देखिए आपको बहुत इजी वे में, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या कर लीजिए ना, स्पीड में इसे कर लीजिए, नंबर एफ कर लीजिए अभी, डू इट राइट नाउ। 2 का बी अभी कर लीजिए, ठीक है, 2 का सी कर लीजिए, डी, ये प्रैक्टिस का है, अभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ज्यादा बिजी होगा। यस, वी आर रेडी टू डू इट नाउ। आपको क्या करना है अभी, 1F, 2B, 2C, 2D, ये चार आप मुझे अभी करके दो, दो, मैं यहीं पे हूं, आप लोगों का वेट कर रहा हूं, दिख रहा है ना आप लोगों को, बड़ा कर दो क्या स्क्रीन, चलो 1F, 2B, 2C, 2D, डू इट राइट नाउ। कोई जाएंगे नहीं, सब ऑन करके देखते हुए करेंगे आगे। तो वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, आराम से करते हुए आंसर बताते चलिए। अरे क्लासरूम भी रहता तो मैं बोर्ड में लिखने के बाद रुकता बैठता, ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन में कंटिन्यू बोलता ही रहूं, एकदम बोलता ही रहूं, ठीक है, बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, कीजिए आराम से। बी लाइक अ क्लासरूम, मैंने बहुत सा ऑनलाइन देखा, टीचर बोलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे कि स्टूडेंट चले जाएंगे क्या होगा, नहीं, इतना ब्रेन नहीं, मैं जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ उसी तरह मैं ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ। चलिए डू इट नाउ। तो और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए देखता हूं पास्ट इयर्स का।
बी का 18। चलिए अब आंसर बताइए ना, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप एक बार आंसर देख लीजिए बता दीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर। जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं ये लोग अभी क्लास वर्क कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन करना है 1F 2B 2C 2D। चलो क्लियर है, करते जाओ, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, यू डू इट। तुम करो ना, कोई इश्यू नहीं है। डू इट बेबी, करो अज़ू। ओके हो गया, तो बताइए, आगे बढ़ता हूं। टू बी का आंसर आप हर्ष बोल रहे हैं, दिस मच, देखता हूं एक बार टू बी का आंसर। आंसर तो मैंने सब यहां पर कर दिया है, देखो टू बी, टू बी 2.99 × 10⁻¹⁻⁻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 
1F का आंसर है 3.0115 एंड 10^22। नहीं काजल, कहाँ 1F का ये आंसर दिखा रहा है आपका, देखिए। लगता है मुझे ही सॉल्व करना होगा क्या? चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूं। चलिए, नाउ सॉल्विंग इट। चलिए, वर्कशीट का कितना नंबर क्वेश्चन है ये, आप लोग एक बार मेरे साथ मैच करते हुए आगे बढ़िए दोस्तों। चलिए 1F देखते जाइए ना, आपसे अगर हो भी गया है ना तो कोई इश्यू नहीं है, आप देखते जाइए ना क्वेश्चन। वन एफ मैं पूरा कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। 1F में क्या है क्वेश्चन आपका? फाइंड द नंबर ऑफ, ऑक्सीजन एटम इन पॉइंट 9 ग्राम ऑफ वाटर, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। आपसे क्या पूछ रहा है, कितना ऑक्सीजन एटम है 0.9 ग्राम वाटर। वेरी सिंपल, मॉलिक्यूलर मास वाटर का क्या है 18 ग्राम्स। 18 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना ऑक्सीजन एटम है? एक है। 18 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेन्स
18 ग्राम में वाटर कंटेन ऑक्सीजन कितना है? एक है 1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, तो 0.9 ग्राम में कितना है? 18, ये 10 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया, ये 2 से इसे कीजिएगा तो क्या होगा 3.011, और ये यहां से क्या आंसर है 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 22 ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर है कि फिर से बताऊं? हर्ष, शिवा, काजल, क्लियर है? तो कोई बात नहीं, मैं भी बना दे रहा हूँ कि आपका प्रैक्टिस हो जा रहा है। आपको तो अभी मैं वर्कशीट दूंगा एक बहुत बनाने के लिए। अब 1F के बाद क्या है हमारा? 2B। आइए 2B ने, बहुत लोगों ने अभी तक 2B ट्राई नहीं किया, मैं कर लेता हूँ। इब्राहिम कम हियर, व्हाट इज द मास या वेट जो भी दिया है कोई फर्क नहीं है, व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर? व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर? वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर बोल रहा है, मास बोल रहा है, तो हमें क्या मालूम है? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा, आप लोग मेरे फिजिकल क्लास के स्टूडेंट हैं जो, वो वहां भी पूछ सकते हैं। कंटेन्स 18 ग्राम्स, अग्री है एकदम? बिल्कुल कर दूंगा। वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 18 इंटू 1 बाय 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 ग्राम्स, कैलकुलेट कर देखिए ना कितना सिंपल है। 6 इंटू 3 कितना होता है? 18 होता है, पॉइंट है, तो ये देखिएगा आंसर 2.99 आएगा। एमसीक्यू रहेगा तो नियर अबाउट 3 का ही आंसर होगा। ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया? माइनस। क्लियर है 2B? ठीक है, अब मुझे एक बार यस कीजिए, कितने लोग प्रेजेंट हैं? यस यस कीजिए, यस तो मुझे समझ में आ जाएगा, बिकॉज बहुत लोग कमेंट नहीं कर रहे, उनका सॉल्व हो जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है ये जो मैं लिख रहा हूं? ये आपको लग रहा है कि आप अपने क्लासरूम में बैठ के बोर्ड में पढ़ रहे हैं विदाउट एनी क्वेरीज? So, जितने लोग प्रेजेंट है यस लिखिए एक बार प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और बाकी का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2C में एंटर कर रहा हूं। टू सी कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। चलिए सॉल्व कर दूं। हर्ष, सीबा, सायराज, देवजीत, अर्नव, बस 5 यस आए हैं, बाकी कहां है मालूम नहीं। कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। हाइड्रोजन एटम बोल रहा है, मैं क्या है? 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। देवजीत आप हो ना, समझ में आ रहा है तो कह रहे ना। हाय अर्नब, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया कंटेन्स कितना हाइड्रोजन होगा? एक एटम है, 17 ग्राम क्या है? मॉलिक्यूलर मास है, तो मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मोल, तो तीन एटम है तो क्या लिखेंगे? 3 × 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अग्री हो कि नहीं आप?
ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 1.7 ग्राम्स में अमोनिया कंटेंट, 1.7 × 3। आई एम फाइन आदित्य, कैसे हैं आप? टेन टू पावर 23 बाई 17, ये यहां से गया, क्या बचा 10, ये कितना हो गया 18.066, ये ऊपर गया 10 to the power 22। यस बबली, मैसेज कीजिएगा मुझे, मैं बता दूंगा, आप लोग ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं। काजल, 18.066 × 10 to the power 22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर एकदम? ठीक है इब्राहिम, हमने चैनल के लिए बोलना है, बोल दीजिए, आइए थोड़ा रिफ्रेशमेंट, आइए, इज माय सन, बोल दीजिए अपने चैनल के लिए, सब्सक्राइब माय चैनल काउ एंड लायन एंड टाइगर एंड एलिफेंट एंड डायनासोर एंड डायनासोर वैली मैमेट वूली मैमेट वूली मैमेट। यस सन, मैं ए बुक में हूँ, देखिए ए बुक में है। वाह यार, दिस इज तो वेरी नाइस। सी बुक में है, हाँ अक्षत बी बुक में। ओके गुड, आई एम कमिंग, हम लोग साथ में स्टडी करेंगे। ओके आई सारज, कैन यू मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर अरेंज फॉर अस? मैं ये दे दूंगा आपको, ये लिंक मैं अभी मैम को भेज दूंगा अन अकेडमी टीम में, तो वो इस लिंक को डाउन वहां पे ऐड कर देंगे, ठीक है? चलो जी, उनका चैनल है, उनको लगता है कि उनका चैनल बन गया है, वो काफी अनबॉक्सिंग करते स्टडी करते सब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। उसकी मम्मी बोलती है ठीक है चैनल बना देंगे, मगर हमने बनाया नहीं, मगर वो सोचता है कि उसका कोई चैनल है, इसीलिए मैं जब भी ऑनलाइन लेता हूँ तो उसमें आके बोलते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। काफी सारे वीडियो हैं, अगर बना देंगे तो सही में वायरल हो जाएंगे, मगर बच्चा है ना, फिर एजुकेशन की तरफ से दिमाग थोड़ा हट जाएगा, इसी के लिए। चलिए क्लियर है, 2C हो गया। टू डी में एंटर करूं, 2D, फाइंड द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड इन लीटर ऑफ अमोनिया एट NTP। आपने ये किया कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर ये मैं कर लेता हूं और यहां तक आज रखता हूं, उसके बाद जो बाकी के वर्कशीट है वो हम लोग कल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये मैं सॉल्व कर देता हूं जी, थैंक यू। प्रे कीजिएगा इब्राहिम के लिए, हिज नेम इज इब्राहिम, माशाल्लाह, ठीक है, हमेशा उनके हेल्थ के लिए प्रे कीजिए, हमारे हेल्थ के लिए प्रे कीजिए कि आप इसी तरह सपोर्ट करता रहो। हाय इंदिरा, मैं तो नमस्ते। चलिए फाइंड आउट नंबर ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम इन दिस मच। ओके, वॉल्यूम के साथ कंपेयर कर रहे हैं अमोनिया को, एटम चाहिए इतने वॉल्यूम में, आइए हम लोग क्या लिख सकते हैं। पहले मैं नाइट्रोजन निकालू, 22.4 लीटर्स, नमस्ते, ऑफ अमोनिया
कंटेन्स कितना नाइट्रोजन है, एक है, वन इंटू अब वन नहीं भी लिख सकते, वन में समझाने के लिए लिख रहा हूं, 6.022 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो 0.112 लीटर ऑफ अमोनिया कंटेन्स 0.112 इंटू 022 इंटू 10^23 बाय 22.4 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। कैलकुलेट कर दूं क्या, ये कर देता हूं, ये यहां से हटाओगे कितना जीरो आएगा नीचे, 1, 2, 3, ये यहां से हटाओगे कितना आएगा 10, ये इसका डबल है, ये 2 हो गया, ये 1 0 कैंसिल हो गया, ये 2 0 यहां पे 21 हो जाएगा, ये डिवाइड होके 3.011 इंटू 10^21 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए सो सिंपल कैलकुलेशन, ये हमने किसका कैलकुलेशन किया, नाइट्रोजन के लिए, इंशाल्लाह जरूर बहुत दुआ करूंगा बिल्कुल ठीक हो जाए। बाय शिवा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपका क्या है, मैंने नाइट्रोजन फाइंड किया, क्या फाइंड किया, नाइट्रोजन। अब हम लोग किसके बारे में आ रहे हैं, हाइड्रोजन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद आपका कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन हमारा लास्ट है। चलिए लीटर्स ऑफ अमोनिया कंटेन्स कितना हाइड्रोजन है, 3 है, 3 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। पॉइंट 112 लीटर, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन इंद्रा। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। आप किस सिटी से हो इंद्रा, किस क्लास में हो आप, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब कैलकुलेट तो आप कर लोगे कि मुझे बीसी का कैलकुलेट करना होगा, देखो ना 3 से इसको मल्टीप्लाई, मुझे मालूम है आंसर आएगा 9.033, तो जो ना ये एक एटम का है तो 3 का क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर लेना आप। बोलिए एनी प्रॉब्लम एनीथिंग, अगर कोई असुविधा है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। देवजीत आप हो यहाँ पे अभी, देख लीजिए कोई भी इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है, फील फ्री टू आस्क। बेटा अंदर मैं क्लास ले रहा हूं। अरे थैंक यू उत्कर्ष, कब से देख रहे थे, कोई बीच में कोई नहीं, कैसा इसी तरह सेशन कंटिन्यू रखूंगा हर क्लास में, कैसा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बेटा अंदर जाइए मैं क्लास ले रहा हूँ, बेटा 2-3 मिनट्स मोर। ठीक है देवजी, रेडी रहिए, मैं आपको अभी कॉन्टेक्ट, किसी का कोई क्वेरीज नहीं है तो मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, 9 सेकंड का लैग रहता है इसीलिए मैं आप लोगों, सर मेरी एनएससीजीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे पास प्लस है, आ जाइए बैच में, मेरी क्लासेस फ्राइडे से आज इवनिंग में 8:15 में प्लस का क्लास है कार्बोनेट्स कंपाउंड की, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप आ सकते हैं। ठीक है सुशांत कुमार जायसवाल, आपने मेरा एक भी रिकॉर्डिंग देखा है,
स्टैंडर्ड 10 फ्रॉम जमशेदपुर, ओके। बोलिए, कोई भी डाउट है, किसी भी चीज पे कुछ भी पूछना है, फील फ्री टू आस्क। आप देखोगे इस मुझे कैसे फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। ठीक है, चलिए, अगर कोई डाउट्स नहीं है तो मैं क्लास ओवर कर रहा हूं। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, सी यू अगेन टुमारो, सी यू अगेन टुमारो। 11:30 बजे फिर देखूंगा। और मूल कंसेप्ट की जो हमारी बची हुई वर्कशीट है जिसपे हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। अरे वेलकम हर्ष, बिल्कुल, आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को, अपने ट्यूशन के, अपने स्कूल के सभी को शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब की क्लासेस आप लोग सभी अटेंड कर सकते हैं। और कल से हमारा कंटिन्यू होगा, जो भी नए लोग आना चाहते हैं उनको जरूर आज की क्लास जरूर दिखा दीजिएगा, वेलकम बबली, ठीक है, कि कल वो इस चीज को समझते हुए आगे बढ़ पाए। तो कल आप लोग जरूर रहिएगा, हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलिए, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।